फ्रेंड्स, लव लाइफ गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक रिक्वेस्टेड वीडियो दिखा रही हूँ। मुझे किसी ने बोला है कमेंट बॉक्स में कि मैं विंटर के परमानेंट प्लांट्स दिखाऊं, तो मैं 20+ आपको परमानेंट प्लांट दिखाऊंगी जो विंटर में हमारे पास फ्लावरिंग कर रहे हैं, हैवी फ्लावरिंग करेंगे, और उसके बाद ये हमारे गार्डन से कहीं नहीं जाएंगे। इनकी केयर अगर हम करते रहेंगे तो ये हमारे पास परमानेंट ही रहेंगे। केयर ऐसी है फ्रेंड्स कि इनमें पानी का ध्यान रखना पड़ता है, बारिश से बचाना होता है, और इनको धूप, समर की जो कड़ी धूप होती है उससे भी बचाना होता है, और केयर तो करनी है। तो अगर हम ये सब कर लेते हैं तो ये हमारे पास सालों साल बने रहेंगे। तो 20+ मैं आपको दिखाऊंगी विंटर में जो फ्लावर है हमारे पास, फ्लावर प्लांट, ये हमारे पास परमानेंट रहेंगे। और ये आप अगर देखते हैं लव लाइफ गार्डन को हमेशा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अच्छा बुरा जैसा भी लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, और अगर कुछ भी गलत है तो मैं उसको सुधारूंगी और आपको और अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में पहला प्लांट है, देखिए, इम्पेशन का। ये हमारे पास विंटर में हैवी फ्लावरिंग करेगा। 3 कलर है मेरे पास, ये देखें, और उसके बाद ये हमेशा के लिए हमारे पास रह जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा गार्डन से अगर हम इसके अच्छे से केयर कर लेते हैं। दूसरा है कलांचो। कलांचो भी मेरे पास मदर प्लांट था, मैंने उसी से तैयार किया है, तो कलांचो भी हमारे पास हमेशा के लिए सालों साल बना रहता है इसकी अगर हम अच्छे से केयर कर लेते हैं। और इसके बाद है ये लालसा। लालसा देखिए, ये फूल तो नहीं देता है लेकिन इतने सुंदर इसके पत्ते होते हैं, और कुछ फंगस की प्रॉब्लम थी फ्रेंड्स, तो मैंने इसको फंगीसाइड से नहलाया, इसलिए पत्ते कुछ ऐसे हैं इसके। तो लालसा भी आप ज़रूर लगाइए, ये भी हमारे पास परमानेंट रहता है, और हेज के लिए लोग बहुत अच्छे से इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद आपका ये हाइब्रिड वो गुड़हल है। हाइब्रिड जो हमारा हिबिस्कस है वो अभी विंटर में हैवी फ्लावरिंग करता है, जो लूना वैरायटी है, और लेकिन ये हमेशा आपके पास रहता है आपके गार्डन में, ये कहीं नहीं जाएगा, इसकी भी केयर हमें अगर करते हैं ठीक से। इसके बाद ये चाइनीज़ वॉयलेट, ये मैंने कटिंग से तैयार किया है और ये अभी हैवी फ्लावरिंग कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये हमारे पास हमेशा रहेगा, हमारे गार्डन से कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद ये गलाडिया। गलाडिया के 2 कलर हैं फ्रेंड्स मेरे पास, और मैंने सीड्स से ही तैयार किए, ये उसी का प्लांट है। सीड्स से मैंने कई प्लांट तैयार किए हैं, ये दूसरा कलर है फ्रेंड्स। तो गलाडिया भी आपके पास परमानेंटली रहेगा। इसके बाद है गेंदा, मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड के ज़्यादा प्लांट फ्रेंड्स नहीं है मेरे पास, क्योंकि बंदरों ने ख़राब कर दिए थे, तो मैरीगोल्ड भी आपका परमानेंट प्लांट बनकर रहेगा। इसके बाद ये डेमो। डेमो भी बहुत अच्छे से आपके पास रहेगा अगर आप इसकी अच्छे से केयर करते हो तो। इसके बाद है गुलदाउदी। गुलदाउदी मेरा कटिंग से लगाया हुआ प्लांट है, ये भी कटिंग से है, तो गुलदाउदी भी हमारे पास हमेशा, ये देखिए, अच्छे से बना रहता है अगर हम इसके अच्छे से केयर कर लेते हैं तो, ये सालों साल हमारे पास रहते हैं। इसके बाद है कोलियस। फ्रेंड्स, कोलियस को भी हम अच्छे से इसकी केयर करेंगे, बारिश वगैरह से बचाए रहेंगे, तो ये भी हमारे पास हमेशा बना रहता है हमारे गार्डन में और कहीं नहीं जाएगा अगर हम इसकी केयर करते हैं। उसके बाद है डेलिया। डेलिया की ये सैपलिंग्स हैं फ्रेंड्स, जो प्लांट है वो मेरा बालकनी गार्डन में है, तो मैं आपको यहीं दिखा रही हूँ। तो डेलिया भी हमारा परमानेंट प्लांट रहता है, और इसको कटिंग से हम तैयार करके काफ़ी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर है जरेनियम। जरेनियम भी हमारे पास परमानेंट प्लांट बनकर रहता है, और अभी विंटर में हैवी फ्लावरिंग करेगा। इसके बाद है बिगोनिया। फ्रेंड्स, बिगोनिया भी हमारा परमानेंट प्लांट की तरह हमारे पास रहता है और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है अभी विंटर में, और उसके बाद इसको बारिश से बचाना होता है और पानी ध्यान से देना होता है, क्योंकि इसकी स्टेम काफ़ी मोटी होती है, जो कि जेली टाइप की होती है, तो पानी होल्ड करती है काफ़ी। इसके बाद है विनका। ये हाइब्रिड वैरायटी है फ्रेंड्स, मैं इसमें सीड तैयार कर रही हूँ, सिर्फ फ्लावर नहीं है, और ये देसी वाली। तो विनका भी हमारे पास हमेशा रहता है। और इसके बाद है ये कॉर्नफ्लावर, तो ये भी हमारे पास रहता है डेंथस की तरह अगर हम इसको अच्छे से केयर करते हैं। और इसके बाद है ये डेंथस। डेंथस में देखिए काफ़ी कलर है मेरे पास, मैंने आपको हमेशा दिखाया, यहाँ मैंने 2 लगाए हुए हैं, तो डेंथस भी हमारा परमानेंट प्लांट की तरह रहता है। इसके बाद है गजानिया। गजानिया भी आपको हमेशा आपके पास और बहुत खूबसूरत प्लांट है गजानिया। इसमें स्क्रीन फ्लावर हटा दिया मैंने, तो गजानिया के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये एनुअल क्राइसेंथमम। फ्रेंड्स, एनुअल क्राइसेंथमम भी बहुत अच्छा प्लांट है, मैंने इसको सीड से तैयार किया है, और सीड से मेरे पास 2 प्लांट मैंने तैयार किया है एनुअल क्राइसेंथमम के। ये भी परमानेंट प्लांट की तरह हमारे पास हमेशा रहता है और गार्डन में ही बना रहता है, कहीं नहीं जाएगा इसकी भी अगर हम केयर अच्छे से करते हैं तो।
इसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ रोज़। रोज़ प्लांट सभी जानते हैं हमारे पास विंटर में तो हैवी फ्लावरिंग करते हैं, मगर उसके बाद भी ये पूरे साल हमारे पास रहते हैं। तो रोज़ को भी बहुत हार्डी प्लांट है और विंटर का राजा, तो ये भी हमारे पास हमेशा के लिए रहता है। इसके बाद ये कॉस्मॉस भी विंटर का बहुत अच्छा प्लांट है और इसको भी हम अच्छे से अगर सीड वगैरह कलेक्ट करके रखते हैं तो ये भी हार्डी प्लांट है और हमारे पास बना रहे। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे पास है सनफ्लावर, इसको भी हम अच्छे से विंटर में देखिए रहता है, उसके बाद ये सीड देकर जाएगा और अगर हम इसकी केयर करते हैं तो सनफ्लावर भी बहुत अच्छा परमानेंट प्लांट होता है। समर और विंटर हमेशा आपको ये अपनी फ्लावरिंग देगा। और फ्रेंड्स ये है कार्नेशन की मैंने सीडलिंग की थी फ्रेंड्स, तो ये वही प्लांट है। कुछ सैपलिंग्स भी लाई हूँ और कुछ सीडलिंग्स हैं मेरी, तो इनके ये प्लांट भी मेरे पास परमानेंट आपके पास रह जाएगा अगर आप इसकी अच्छे से केयर करते हैं। अभी फ्लावर नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन कार्नेशन भी हमारा हमेशा चलने वाला प्लांट है। इसी तरह आप ये देखिए श्रीलंकन हेज, हमेशा इसमें फ्लावरिंग रहती है विंटर में भी और समर में भी, तो ज़रूर लगाइए फ्रेंड्स, ये भी बहुत हार्डी प्लांट है। फ्लावरिंग आप हमेशा देखोगे, कभी इसमें ऐसे नहीं रहता कि फ्लावरिंग ना करे, बहुत हार्डी प्लांट है। सो फ्रेंड्स यही थे मेरे आपके परमानेंट प्लांट जो विंटर में भी आपको फ्लावरिंग दे ही रहे हैं और हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे अगर आप इसकी अच्छे से केयर करते हैं। तो इस लिस्ट में लालसा और कोलियस को आप ज़रूर ऐड करिएगा क्योंकि ये कलरफुल प्लांट है। फ्लावर इतने अच्छे इनके भले ना आते हो मगर ये इनके पत्तों के कारण ही बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो ज़रूर आप भी लगाइए और ये परमानेंट प्लांट विंटर के आपके पास समर में भी हमेशा बने रहेंगे। और बस इनको आपको बारिश से बचाना रहेगा, बारिश से इनको आप बचाते रहिए और इनकी समर में क्या केयर रहेगी मैं आपको बताती रहूँगी समय समय पर, और आप भी इनका ध्यान रखिए। सो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर ऐड करिए, एक बार इन्वेस्टमेंट है इन प्लांट की, अगर हम एक बार इन पर खर्चा करते हैं तो सोचिए सालों साल ये हमें अपनी फ्लावरिंग देते हैं, तो कोई ख़राबी नहीं है इनको लाने में। तो आप भी इस तरह के प्लांट अगर आप चाहते हैं, ऐसे प्लांट चाहते हैं जो आपके पास हमेशा रहें, तो आप इनको ज़रूर लाइए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। और देखिए एक प्यारा सा फ्लावर दिखाते हुए वीडियो का अंत कर रही हूँ। सो परमानेंट फ्लावर हमारा रोजानिया। सो बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।